students, how are you? I hope you will be fine. Today students, today we will teach, I will teach you comprehension number 9, which is about Dr. Allama Iqbal, and it is about Pakistan resolution which was held in 1930. It is very interesting. आज हम comprehension number 9 जो कि पाकिस्तान resolution जो कि 1930 में पास की गई उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको हम मैं पेज नंबर आप जो आपकी बुक का पेज नंबर है वो 42 है, आप उसको निकाल लें ताकि हम पहले इसको इसकी रीडिंग कर सकें, और रीडिंग के बाद फिर हम जो है इसको इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें। तो मैं पढ़ता हूँ। इन दिसंबर 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट अलाहाबाद। इन दिसंबर के अंदर 1930 को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को मदऊ किया गया कि वो जो एनुअल मीटिंग होनी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलाहाबाद के अंदर उसकी सदारत करें। इन हिज एड्रेस अपने खुतबा में ही ओपनली अपोज्ड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स एज वन नेशन। अपने खुतबा के अंदर उन्होंने जो हिंदू और मुसलमानों का इकट्ठे रहने का यानी कि पावर शेयरिंग का जो आइडिया था, कुछ लोग उस आइडिया को फ्लोट कर रहे थे वहाँ पर कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान, लेकिन अलामा इकबाल ने उसको बड़ा सख्ती से अपोज़ किया और ओपनली अपोज़ किया। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा दैट द मूव टू अप्लाई वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के लिए एक ही आइन को लागू करना वुड रिजल्ट इन अ सिविल वॉर, ये हमें लेकर जाएगा सिविल वॉर की तरफ और हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ही वॉन्टेड टू सी द पंजाब सिंध बलूचिस्तान एंड द NWFP अ सिंगल स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, वो ये चाहते थे कि पंजाब सिंध बलूचिस्तान और NWFP नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उनको इकट्ठा करके मुसलमानों के लिए हम एक रियासत बना दें। सो दैट दे शुड लिव टुगेदर अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ताकि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक रह सके। वी कैन से हम ये कह सकते हैं दैट अलामा इकबाल वाज द फर्स्ट थिंकर टू गिव अस द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। हम ये कह सकते हैं कि अलामा इकबाल वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का आइडिया पेश किया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टीनेंट इंटू टू सॉवरन स्टेट्स, यानी जो बरसगीर है उसकी दो सॉवरन स्टेट्स जो है वो बना दी। The Muslims soon realized the importance of the demand for two separate states. फिर मुसलमान जो थे उनको भी realize हो गया कि अलहदा अलहदा दो रियासतें होनी चाहिए। It was then the Pakistan Resolution was adopted in 1940. और फिर जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है इसको 1940 में जो है वो पास कर लिया गया। जो मैं पहले कह रहा था वो ये था 1930 में ये जो अलाहाबाद में इजलास हुआ था ना जी, उसके बारे में बात हो रही है, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है ये 1940 में उसको फिर पास किया गया। अब हम इसी जो कम्प्रीहेंशन है इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर वाज द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1930। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो 1930 में जो मुस्लिम लीग का इजलास हुआ वो कहाँ पर हुआ। अब हमसे जब वेयर का पूछा जाएगा तो वेयर का मतलब है कहाँ पर, यानी जगह के बारे में बात होगी। तो आप लिखेंगे एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट अलाहाबाद इन 1930। एनुअल मीटिंग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुई वो अलाहाबाद के मकाम पर हुई 1930। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, Who was invited to preside over the session? किन को मदऊ किया गया कि वो सेशन की सदारत करें। To preside मैंने होता है To preside over पूरा ये जो फ्रेजल वर्ब है To preside over मैंने सदारत करना। तो उन पूछा ये जा रहा है कि किन को मदऊ किया गया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल was invited to preside over the session। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को
सदारत करने के लिए मंजूर किया गया। तीसरा सवाल है कि व्हाट आइडिया डिड अलामा इकबाल अपोज, अलामा इकबाल ने किस आइडिया को अपोज किया, किस आइडिया की मुखालफत की। अलामा इकबाल अपोज्ड, ये आई मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, अलामा इकबाल अपोज्ड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग टुगेदर ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वन नेशन। अलामा इकबाल ने हिंदू और मुसलमानों का एक कौम के तौर पर रहने का जो आइडिया था, पावर शेयरिंग का जो आइडिया था, उसकी मुखालफत की। क्वेश्चन नंबर फोर है कि विच प्रोविंसेस डिड ही वांट टू बी इंक्लूडेड इन द मुस्लिम स्टेट, वो मुसलमानों की रियासत के अंदर किन किन चीज़ों को, यानी कि किन किन इलाकों को शामिल करना चाहते थे। ही वांटेड टू सी द पंजाब, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFB इन द मुस्लिम स्टेट। वो चाहते थे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनको एक मुस्लिम स्टेट के तौर पर इकट्ठा करना चाहते थे, इनको मुस्लिम स्टेट में शामिल करना चाहते थे। वो चाहते कि ये जो सूबे हैं ये मिलकर एक मुस्लिम स्टेट बने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड ही डिमांड अ सेपरेट स्टेट, उन्होंने किस किन बुनियादों पर एक अलहदा रियासत का जो 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 डिमांड है वो की, किन बुनियादों पर की। ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम, उन्होंने इस्लाम की तालीमात की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत की डिमांड की, कि मुसलमान जो है वो इकट्ठे रहेंगे, और चूँकि मुसलमानों का जो मजहब है वो इस्लाम है, तो इस्लाम की टीचिंग्स की बुनियाद पर उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव्ड, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब मूव की गई। तो द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन 1940, पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 1940 में पास कर लिया गया। तो ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर हैं जी, और ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर हमारी 9 है। आप सारे लोगों से ये दरख्वास्त है, एंड इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट वार्ड ऑफ यू, कि आप प्लीज़ वीडियो को देखा करें, फिर पूरी वीडियो को देखा करें, दरमियान से उसको क्विट ना कर दिया करें, और उसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई इशू हो, किसी सवाल की समझ ना रही हो, किसी लफ्ज़ की समझ ना रही हो, किसी स्पेलिंग ग्रामर को कोई इशू हो, तो आप ज़रूर बताया करें, एंड आई एम अवेलेबल एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर एवर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।